तो हेलो एवरीवन, तो आज हमारे पास है प्रेस्टीज ब्रांड का एंडूरा 1000 वॉट्स पावरफुल मोटर के साथ है मिक्सर ग्राइंडर विद शॉपर। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आप देख सकते हैं, नीड्स आटा, चॉप वेजिटेबल्स, मेक जूस एंड ग्राइंड चटनी, मसाला स्टोर, मैनी मोर, और भी आपके जो किचन के जो यूज़ है वो आप बड़े आराम से इस मिक्सी को खरीद के जो है कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल गई। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमने बॉक्स को अनबॉक्सिंग किया है, आपके सामने एक प्रेस्टीज का एंडूरा 1000 वॉट्स का जो मिक्सर ग्राइंडर है, एकदम पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर आपके सामने देख सकते हैं। एंड इसका लुक की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग इसका लुक है, दिखने में काफ़ी सुंदर है। एंड सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम वारंटी कार्ड और कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं ये वारंटी कार्ड है जिसमें पूरा फोटो दिया हुआ है, इसमें टोटल 6000 देखने को मिल जाएंगे। एंड अंदर कुछ कैसे यूज़ करना है वगैरह पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ब्लेड को कैसे खोलना है, कैसे टाइट करना है वगैरह पूरा इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। एंड वारंटी की बात करें तो ये वारंटी कार्ड भी साथ में है जिसमें कंपनी की ओर से 5 ईयर्स की मोटर की वारंटी दे रखी है एंड 2 ईयर्स प्रोडक्ट की, यानी कि कंप्लीट प्रोडक्ट 2 ईयर्स इसमें वारंटी दे रखी है। एंड इस ब्रांड की ओर से कंप्लीट 2 ईयर्स वारंटी तक आपको फ्री होम सर्विस मिलती है। एंड अब करेंगे मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। तो सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं ये है मिक्सर ग्राइंडर प्रेस्टीज का एंडूरा 1000 वॉट्स। इसका लुक की ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हैं, इसका पहले फुल व्यू बता देते हैं आपको। तो देख सकते हैं मैट फिनिश ब्लैक कलर विथ स्टील बॉडी आप देख सकते हैं, एंड बॉडी एकदम बिगेस्ट साइज बॉडी है एंड काफ़ी पावरफुल लगता है ये मिक्सर ग्राइंडर मेरे को। एंड फुल मैट फिनिश प्लास्टिक जो है बॉडी दे रखी है आप देख सकते हैं, फुल साइड में पूरा स्टेनलेस स्टील का फिनिशिंग दिख रखा है आप देख सकते हैं पूरा। एंड एकदम यूनिक टाइप मॉडल बनाया है। एंड इधर देख सकते हैं जो बटन के साइड में वो ग्रेनाइट फिटिंग डॉट डॉट क्या हुआ है फिनिश टाइप। एंड इसमें मिलती हैं 3 स्पीड कंट्रोल जिसकी मदद से आप जो है स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे। साइड में पल्स का भी बटन दे रखा है जिसकी मदद से आप दही का जो है सास वगैरह बना सकते हैं पल्स करने के लिए। एंड ऊपर देख सकते हैं प्रेस्टीज की ब्रांडिंग दे रखी है, उसके नीचे एंडूरा उसका मॉडल नंबर एंड 1000 वॉट्स दे रखा है। एंड ओवरऑल कपलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, प्लस नाइलॉन कपलर है, एकदम हैवी ड्यूटी एंड स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर देख सकते हैं जो भी जार वगैरह में जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत दिनों बाद जार ख़राब हो जाता है तो उसमें पानी टपकता है, तो जो भी पानी रहेगा अगर आप मिक्सी के अंदर जो ऊपर गिर गया पानी वगैरह तो डायरेक्ट इधर से नीचे आएगा आप देख सकते हैं। इस तरह से कुछ यूनिक डिज़ाइन बनाया ताकि मोटर के अंदर जो है पानी ना जाए। एंड लॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं फुल अंदर तक डबल लॉक हो जाता है तो जार वगैरह जो है ईजी से ऊपर वगैरह नहीं आता है। एंड देख सकते हैं मोटर के लिए भी काफ़ी सेफ्टी की तरह से आप देख सकते हैं दोनों साइड एयर के लिए जो है दिया हुआ है ताकि मोटर वगैरह जो है हीट ना हो। एंड नीचे देख सकते हैं ओवरलोड ट्रिपर देखने को मिल जाएगा जिसको मदद से आप रीसेट कर सकते हैं। एंड इधर देख सकते हैं 4 लेग दिए हुए हैं ग्रिप के लिए, प्लेटफॉर्म के ऊपर हिले डुले वगैरह नहीं। एंड मुझे तो काफ़ी पसंद आया मिक्सी, बहुत ही बढ़िया। एंड ओवरऑल वेट की बात करें तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे प्लग पॉइंट की, तो इसका केबल लेंथ 1.5 मीटर है एंड 5 एम्स के आप प्लग पॉइंट जो है यूज़ कर सकते हैं, ये घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमर्शियल के लिए भी यूज़ जो है कर सकते हैं, बहुत ही हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर है। तो ये हो गया मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। अब बात करेंगे इसके जार के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये है सबसे छोटा वाला जार जो कि है 400 ml का, यानी कि 450 ml इसकी टोटल क्वांटिटी है आप देख सकते हैं। एंड ब्लेड की क्वालिटी की बात करें तो 4304 ग्रेड का ब्लेड स्टेनलेस स्टील का है। एंड जार का थिकनेस काफ़ी मोटा है, नीचे प्लास्टिक का बॉटम दे रखा है एंड देख सकते हैं नाइलॉन का कपलर, जार काफ़ी बढ़िया है, ब्लेड भी एकदम शार्प है। एंड लिड की बात करें तो ये अनब्रेकेबल लिड है, लिड में आपको सिलिकॉन की गैस्केट देखने को मिल जाएगी, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया छोटा जार। और भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे छोटे जार के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये है मीडियम जार के बारे में। तो ये है 1 लीटर का जार जिसमें आप जो है ड्राई ग्राइंडिंग जो है आप कर सकते हैं इसमें।
ड्राई वेट भी कर सकते हैं, लेकिन मेन ड्राई ग्राइंडिंग के लिए 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है। एंड इसमें आपको हैंडल देखने को मिल जाएगा, छोटा जार में आपको हैंडल नहीं मिलेगा, इसमें आपको हैंडल देखने को मिल जाएगा। एंड देख सकते हैं ब्लेड, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। एंड लिड जो है सेम टू सेम है, तो इसको रखते हैं साइड में। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं उससे बड़ा जार, जो कि सबसे बड़ा है 1.5 लीटर का, ये है वेट ग्राइंडिंग जार, जिसकी मदद से आप जो है इडली डोसा बैटर जो है आपको पीस सकते हैं बड़े आराम से। तो इसमें मिलते हैं 7 इंच वाला शार्प ब्लेड, आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प ब्लेड है। एंड जार को क्लीन करना वगैरह काफ़ी ईजी है, आराम से अंदर हाथ डाल के क्लीन जो है कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई ग्राइंडिंग ज़्यादा क्वांटिटी करना है तो वो वाला ब्लेड इसमें आपको डाल सकते हैं, ये वाला भी उसमें आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। स्पॉनर आएगा इसके साथ में, उसकी मदद से आप जो है कर सकते हैं। एंड ओवरऑल बाकी सब बढ़िया बेस्ट क्वालिटी है। एंड लिड इसमें आपको डूम लिड मिल जाएगा, इसकी भी सिलिकॉन की गैसकेट है। एंड ऊपर में इसमें लिड में मिलेगा एक खुलने का, ताकि आप इसमें वाटर वगैरह जो है ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे बड़ा वाला जार। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है कीप ओ मिक्स जार, ये एक पीस आपको साथ में मिलता है कीप ओ मिक्स जार। तो इसको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, तो आपको जो भी चटनी क्वांटिटी एकदम कम क्वांटिटी बनाना है, ड्राई पाउडर वेट पाउडर, तो इसमें सिंपली आपको इसमें पाउडर डालना है जो भी बनाना है वो। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे ही रखना जार, इसको उल्टा ऐसा जो है फिटिंग कर देना है। फिटिंग करके आपको जो है ये मिक्सी में आपको फिट करना है, इस तरह से फिट करके जो आपका काम वगैरह करके उसके बाद में इसको आपस ऐसे ही खोलना है, ऐसे खोल के जो भी चटनी वगैरह रहेगा इसमें जो है स्टोर हो जाएगा। आपको ऐसे ही कवर करके फ्रिज में वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक है, हर किसी मिक्सी में नहीं आता इस तरह का, तो ये काफ़ी बढ़िया। एंड ब्लेड देख सकते हैं बहुत ही शार्प एंड बहुत ही ये भी मजबूत एंड हैवी ड्यूटी है। एंड इसका भी प्लास्टिक काफ़ी बढ़िया है, इसका नाम है कीप ओ मिक्स जार, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। उसके बाद बात करेंगे जूस जार के बारे में। तो ये 1.5 लीटर का जूस जार है विथ फिल्टर के साथ में देखने को मिलता है आपको। एंड फ्रूट वगैरह आप जो है जूस बनाना है तो इसमें आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये पॉलीकार्बोनेट जो प्लास्टिक क्वालिटी का है एंड विथ फिल्टर के साथ में आप देख सकते हैं जो भी जूस रहेगा वो फिल्टर होके साइड में आ जाएगा, पल पल जो है सेंटर में रहेगा, आप आराम से इसको जो है जूस ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, वैसे ये ऑलमोस्ट हर ब्रांड में मिलता है इस तरह का जूसर, तो इसको रख दिया साइड में। एंड अब मान बात करते हैं एक वेजिटेबल चॉपर के बारे में। तो इसमें देख सकते हैं एक वेजिटेबल चॉपर का ब्लेड देख रखा है, जिसमें आप जो है वेजिटेबल वगैरह जो है चॉप जो है कर सकते हैं। यह है शार्प वेजिटेबल ब्लेड्स। एंड एक इसमें और प्लास्टिक का ब्लेड मिलेगा, जिसकी मदद से जो आप आटा भी गूंथ सकते हैं। तो ये जो ऑनियन कैरेट जो भी आपको वेजिटेबल कट करना है, इसमें आप बड़े आसानी से जो है कट कर सकते हैं। इस मिक्सी के ऊपर आप इस तरह से फिट करके जो है कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं ये कंटेनर मिला है, ये किस लिए मिलता है कि आपको अगर आटा गूंथना है तो आप 1 कप आटा लीजिए, उसके बाद में 1/2 कप जो है वाटर लीजिए। तो इसमें जो है क्वांटिटी इसके लिए इधर देख सकते हैं हॉल दिया हुआ है। तो 1 कप आटा 1/2 कप वाटर लेंगे तो आपका जो है क्वांटिटी जो है बराबर हो जाएगी। इसकी वजह से ये कप जो है आपको एडिशनल दिया है इसके साथ में, ताकि आपको मेजरमेंट में कोई गड़बड़ ना हो। विद इन 1 to 2 मिनट्स में आपका जो आटा है सेकेंडों में रेडी हो जाएगा। तो अब मिक्सी को ऑन करके बताते हैं। देख सकते हैं हमने इसको प्लग इन कर दिया, अब करते हैं मिक्सी को ऑन। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो इसका साउंड बिल्कुल ज़्यादा नहीं, एकदम रेगुलर साउंड है, एकदम ज़्यादा साउंड मैं नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा साउंड है, एकदम कम साउंड ही है। रेगुलर जो 750 का मिक्सर का जो साउंड होता है वही साउंड है ये 1000 वाट्स। तो आप ये घर के लिए बेझिझक ले सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का मिक्सर है। इनमें आप देख सकते हैं 6 जार देखने को मिल जाते हैं, तो मैं कहूँगा आप इसको बाई कर सकते हैं। एंड प्राइस रेंज की बात करें तो इसकी जो प्राइसिंग है MRP प्राइस है 11,000, जो आपको मार्केट में 7,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इसको परचेज भी कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको और भी ब्रांड के 1000 वॉट्स के वीडियो देखने हैं तो मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।